हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे दुबई का वीज़ा चेक करते हैं। उसमें दुबई ही सिर्फ नहीं आता है दोस्तों, अबू धाबी, शारजा, यानी यूएई के जितने भी स्टेट हैं, यानी 7 स्टेट, उन सब का वीज़ा आप जो है आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों, और सिर्फ एक क्लिक में, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। आपको किसी एजेंट को पैसे नहीं देने हैं। कोई एजेंट अगर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो उसको भी आप जान पाएंगे कि एजेंट कौन सा वीज़ा आपको दे रहा है। तो दोस्तों खुद का वीज़ा कैसे चेक करते हैं ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, और सिर्फ एक क्लिक में, और वो भी एकदम सही तरीका, जेन्युइन तरीका, ऑफिशियल तरीका, जो उनकी वेबसाइट होती है उससे बताऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फाइनली दोस्तों हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको हम सिखाने वाले हैं कि यूएई का वीज़ा कैसे चेक करते हैं, और आज की पूरी वीडियो इसी पर है। एक आसान तरीका दोस्तों, जिसकी वजह से आप चेक करके आप अपने आप को जान सकते हैं हम कौन से वीज़ा में जा रहे हैं, उसका एक्सपायरी डेट है, ये सब कुछ डिटेल में आ जाएगा। और वीज़ा चेक करना बहुत ही आसान है, इतना सिंपल कि दोस्तों आपने सोचा भी नहीं होगा, एजेंट को पैसे भी नहीं देने पड़े, ये बिल्कुल मुफ्त है। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है, कोई सा भी अगर आपके पास ब्राउज़र है उस पर जाके आप ओपन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे कि स्मार्ट सर्विसेज, है ना, स्मार्ट सर्विसेज। देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च कर रखा है, आप स्मार्ट सर्विसेज भी करेंगे तब भी आ जाएगा। हालांकि स्मार्ट सर्विसेज जैसे ही डालेंगे गूगल आपको सजेस्ट कर देगा ये वेबसाइट, smartservices.icp.gov.ae पे आपको क्लिक कर देना दोस्तों, यही आपको जो है वहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे डेस्कटॉप मोड, ये मान लीजिए हमारा है ऑलरेडी, आपका अगर नहीं होगा तो मोबाइल मोड में होगा तो उसको डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ से सिंपली दोस्तों आपको पहले ही वेबसाइट आ जाएगी उसकी, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ की, यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे को ICP स्मार्ट सर्विसेज पे आपको सिंपली क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे विद इन सेकेंड में कुछ खुल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हालांकि नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये कौन सी स्पीड है आपकी नेट की। सिंपली खुलने के बाद दोस्तों इसका इंटरफेस ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन आपको लेना क्या है, आपको वीज़ा चेक करना है। तो सिंपली दोस्तों आपको आना है, वो ध्यान से देखिए, आपको ये पब्लिक सर्विस लिखा होगा दोस्तों, इस पब्लिक सर्विस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों एक अलग इंटरफेस मिलेगा आपको देखने को, जिसे हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक अलग इंटरफेस आ जाएगा, इंटरफेस आने के बाद आपको दोस्तों करना क्या है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट नंबर से आप चेक कर सकते हैं। वो भी कैसे, देखिए सिंपल फाइल वैलिडिटी पर क्लिक कर देना। जैसे फाइल वैलिडिटी पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद इसका इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। जैसे इंटरफेस ऐसा आएगा सिंपली आपको क्या करना है, फिलहाल में हमको यहाँ पे पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। दूसरा ऑप्शन है रेसिडेंसी और वीज़ा, तो हमें रेसिडेंसी नहीं चेक करना है, हमें चेक करना है वीज़ा। तो हम पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन डाल के हम अपना वीज़ा चेक करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पे आपका जो भी पासपोर्ट नंबर होगा दोस्तों, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे मेरा पासपोर्ट नंबर है, यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट के लिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिंपली अगर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डेट चूज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। हमारे पास जो है पासपोर्ट, मैं उसका डेट आपको डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली हमने एक्सपायरी डेट डाल दिया है। यहाँ पे नेशनलिटी, देखिए अगर आपको नेशनल का कोड पता है, अपने नेशनल का, जैसे हमारे इंडिया का कोड है 205 यहाँ के लिए, तो यहाँ के लिए अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपकी कंट्री आ जाएगी। यहाँ पे आपका जो भी, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, टोटल कंट्री का यहाँ पे है, आप चाहे जिस भी कंट्री से हो दोस्तों, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूँ, सभी कंट्री का यहाँ पे नाम होगा, आप जिस भी कंट्री से आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपली ऐसे आएगा, यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि आप रोबोट है नहीं, इसलिए यहाँ पे परमिशन मांगता है। और इसको सिंपली करने के बाद यहाँ पे नीचे सबसे देखिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, जैसे ही सर्च का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे ही आ गया आपको इन्फॉर्मेशन कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे दोस्तों देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, फाइल क्लोज कब हुआ है, उसके फाइल के इशू डेट क्या थी, और फाइल का एक्सपायरी डेट क्या है, लास्ट डेट ऑफ लिविंग द कंट्री का है दोस्तों, जब आप उस कंट्री को जैसे छोड़ते हैं, जैसे हमने ये 3 महीने का वीज़ा कराया था, ये मेरा खुद का है, तो मैं वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करना था, जो भी कलेक्ट करना था, मैं कलेक्ट करके मैं इस डेट में वापस रिटर्न आ गया। तो ये उस डेट का है जिस दिन आप रिटर्न आ जाते हैं, यानी आपने कंट्री को एग्जिट कर दिया है। जैसे एग्जिट करते हैं आप, यहाँ पे ये डेट आ जाता है कि लास्ट डेट ऑफ लिविंग द कंट्री, मैंने 1/11/2017 को ही वो एग्जिट कर दिया था। तो दोस्तों इसमें पूरी डिटेल आ जाती है, इसमें अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आपका जो वीज़ा लगा है वो किस कैटेगरीज का है, यानी वर्क परमिट में है, या फिर आपका विजिट टू एम्प्लॉयमेंट है, या कुछ भी है, जो भी है। अगर सिर्फ विजिट का है तो आप इसको भी पता कर सकते हैं कि विजिट का हमारा कब का डेट है, यानी इशू कब हुआ, सब कुछ इसमें डिटेल आ जाएगा दोस्तों।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर भी इंफॉर्मेशन है, इमरेट्स अनफाइल्ड नंबर आ जा रहा है, फाइल नंबर है आपका, ये सब कुछ डिटेल आ जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब आगे से आप अपना वीज़ा खुद का चेक कर सकते हैं, किसी को एक पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ आप जो है अपने मोबाइल से या फिर अपना सिस्टम से भी चेक कर सकते हैं। आप कंप्यूटर की वेबसाइट पे भी यही आपको डालना है एड्रेस, यानी कंप्यूटर के एड्रेस बार में जाना है गूगल पे, वहाँ पे यही एड्रेस बार में एड्रेस डालेंगे जो हमने डाला था स्मार्ट सर्विसेज, यही आपको डालना है icp.gov.ae जाके आपको विजिट करना है। सिंपली सब कुछ इंटरफेस कैसे आएगा वो मैं आपको सिखा दिया हूँ दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप अपना वीज़ा आसानी से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो दोस्तों एक लाइक करिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जॉब के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।